मौजूद हो आप मेरे साथ थाना मलपरा के गांव भांडई में। ग्रामीणों ने बताया कि यहां रात्रि को एक किसान के घर पर पशु चोरों ने धावा बोल दिया और किसान के पशु खोल कर ले जा रहे थे, तभी खटपट की आवाज़ सुनकर ग्राम की महिला जाग गई और उन्होंने शोर मचा दिया। शोर सुनकर ग्रामीण एकत्र हो गए और चोर भागने लगे। चोर खेतों की तरफ भाग गए और बताया जा रहा है, ग्रामीणों ने बताया कि चोर फायर करते हुए गांव में से भाग निकले। गांव में दहशत का माहौल है और पुलिस गश्त की मांग की है और वहीं घटना के जल्द से जल्द खुलासा की ग्रामीणों ने मांग की है। चोप सिंह सक्सेना, आगरा। यहाँ आए परसों हमारा छोटे भाई ने देखा था, वहाँ तेरे यहाँ घुसे तेरी गली में, तो इस तरीके से बहुत एक भी दिन बाहर नहीं जा रहा है, रोज आ रहे हैं लेकिन पुलिस गश्त नहीं दे रही है बिल्कुल। मतलब आगे ये 100 नंबर की गाड़ी जो है, मतलब बिल्कुल काम हुआ है इन गांवों में। मतलब आगे में ये चोरों का बहुत आतंक है, भैंस खोल ले जाते हैं, ताला तोड़ करके ले जा रहे हैं। तुमने देखा कि नहीं आज में? तो कल भी देखा था, परसों भी मतलब आगे ये वारदात आ रही है। तो भाई ये कब तक हम मतलब आगे बर्दाश्त करेंगे? दो दिन पहले तो भैंसों के लोगे, दो को है, दो भैंसों के लोगे। कभी मतलब आगे ने भाड़ी में से खुलती हैं, कभी चौरा में से खुलती हैं। भाई आज हमारे गाँव में से दो भैंस खोलने के लिए आए तो वो लोग पकड़े गए आगे ने, वो भागे निकल कर यहाँ से। और ऐसे ही हर जगह पता चले देख लो, दो दिन पहले तो दो ऐसे ने लगी है, तो दो आदमी की थे एक जिला जी को ना कर दो या फिर हमारे तुम बांध के खोल दीजिए, तो फिर रेंज गईना नहीं भी रेंज खुल गई। अब आदमी की थे तो भागे के, तो ज्यादा तुम भागे नहीं, टंकी बंद कर दी भैया, ताला तोड़ के जाओ, ताला तोड़ बिल्कुल अगल डर। हां दक्षिण की तोड़ दो का खोल दो दीवार गिर पका हो गई, क्या नाम है आपका? उम्मती। कहाँ के रहने वाले हो? क्या मामला था? चोरी को, चोरी को। कौन आया था चोरी करने? चोर आए। कितने चोर थे? हम दो देखे, दो। क्या ले जा रहे थे? भैंस। किसकी भैंस ले जा रहे थे? अब हमारी ले जा रहे, अब आदमी तो है नहीं। तो तुम्हें कैसे जानकारी हुई? जानकारी है, हमारी भैंस खोली। फिर क्या हुआ? एक खोल ली, दूसरी को तारा तोड़ा, तो हमन सल पर गई, वे हमन जगे, तो हमन लाली जगाई, वे भाग गई। शोर मचाया था? हाँ शोर मचाया, गांव के मारे मोहल्ला के जग गई। पूरे लोग आ गए थे यहाँ पे? अब आ गए, कछु सो रहे कछु आ गए, तो चोर भाग गए। फिर भाग गए। आपका? लाल सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? क्या मामला था ये? मामला ये था कि हम चक्की चल रही थी हमारी, हमने एक बजे बंद की, बंद कर कर आगे हम सो गए थे, सोने जा रहे थे। हम जैसी खटर पटर की आवाज़ आई तो हम जाके देखा तो दो चोर भागते हुए नजर आए हमें। किधर की तरफ भाग गए? इधर की तरफ भागे, कटरा की तरफ, बागों की तरफ, बाग बगीचों में। हाँ। ग्रामीणों ने पीछा किया? हाँ पीछा किया। अच्छा ये बताओ, इससे पहले भी कोई घटना हुई है क्या? हाँ दो दिन पहले हुई है, दो भैंस खुली हैं। किन की खुली थी? पप्पू भूरा की, कंट्रांग लद के गई हैं। जो खुलेंगे भैंस तो इनकी, एक बजे डेढ़ बजे के बाद जे भी भैंस यहाँ पे भी आए और उन्होंने एक भैंस की सांकर नाल में से खोल दी और दूसरी की तरफ गए, फाटक का ताला टोला और प्रयास किया। गांव में किस प्रकार का माहौल है? माहौल इस प्रकार का है, गांव सतर्क है, सो नहीं पा रहा है, जाग रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिजन सिंह चाहर है। चाहर साहब क्या मामला था रात? मैं तो आगे ने बीजेपी का आगे ने मंडल उपाध्यक्ष हूँ। मेरे यहाँ मतलब गांव में रात मतलब आगे ने एक बजे के करीब और बदमाश आए, चोर आए जो भैंस खोलने के लिए, तो चोर
जगार होने के बाद में हम लोग भागे उनके पीछे, वो फायर करते हुए खेतों की तरफ भागे। और यहाँ आज दिन ऐसा हो रहा है, पहले भी दो भैंस जा चुकी हैं और रोजाना ही। कितने दिन पहले जा चुकी हैं? ये 3-4 दिन पहले मतलब आके ने हमारे गांव में से दो भैंस चली गई हैं, उनका अभी तक कोई पता नहीं लगा। क्या नाम है उनका? उनका एक तो भूरा है और एक पप्पू है, जो मतलब आके एक। क्या मांग करते हो आप? हम ये मांग करते हैं सर, ये 100 नंबर की गाड़ी जो है आगे ने ये गश्त दे और समय पर मतलब फ़ोन करने पर वो यहाँ आए और हमारी मदद करे। आगे ने ये बिल्कुल मदद नहीं कर रहे, ये उधर उधर भाग रहे हैं, आगे ने वैसे फायर करते, मतलब झूठे फायर करते हैं आगे। हम वहाँ गए यहाँ गए, कहीं नहीं आते, ये गांव में आज तक नहीं आए, हमने नहीं देखा इनको आगे। बहुत मचा हुआ है, ये हमारे गांव में डेली आ रहे हैं, कभी इस कोने पे आते हैं, कभी उस कोने पे आए। आज तो जगार होने के बाद में हम इनके पीछे भागे तो ये फायर करते करते हुए चले गए आगे। भैंस हमने अपनी आज बचा ली आगे ने, पहले हमारी दो भैंस जा चुकी है गाँव में से। क्षेत्र में किस गांव में किस प्रकार का माहौल है? क्षेत्र में पूरे आसपास के सभी गांवों में तो ये स्थिति हो रही है, लोग काम करते हैं, खेती का काम चल रहा है, बाजरा कट रहा है, लोग परेशान हो जाते हैं, सो जाते हैं और वो लोग आकर के मतलब आके ना हथियार लेकर के आते हैं। जहां भी मतलब आके गए वो हथियार लेके गए, फायरें की और भैंसें ले गई। किस प्रकार का माहौल है गाँव में? चोरों का यहाँ बहुत आतंक मचा हुआ है, यहाँ हमें पुलिस की आवश्यकता है, पुलिस गश्त दे आगे ने हमारी सेफ्टी करे। ये अभी पचगाई खेड़ा में मतलब आके ने एक आदमी की गोली लगी थी, वो मतलब आके बदमाशों द्वारा लगी। ऐसा ही माहौल हमारे गांव में आज हुआ, फायरिंग करते हुए भाग गए वो मतलब आके ने, लेकिन किसी की गोली लग नहीं पाई आके ने, ये पचगाई खेड़ा में गोली लगी है आके ने। क्या मजा आपका? विष्णु सिंह। कहाँ के रहने वाले? क्या मामला था रात को? रात को मामला ये था कि हम आवाज़ सुनी, हमने ऊपर छत पे सो रहे थे कि, तो हम जग के आए तो देखा तो भैंस खुल गई थी, भैंसों को खोलने एक खोल के दूसरी का ताला तोड़ दिया था। किसकी भैंस खुल गई थी? मानपाल और विनोद। फिर क्या हुआ आगे? उसके बाद आवाज़ हुई तो ग्रामीण आ गए, ग्रामीणों ने किसी आवाज़ सुनी के फायर हो गए थे, फायरों को सुन के चोटे इधर भाग गए। किधर भाग गए? खेतों की तरफ। क्या चोरों ने भी फायर किया था? हाँ किया था, फायर तो हुई थे पर ये नहीं पता किसने की थी, आवाज़ आई थी किसने की ये नहीं पता। फिर चोर भाग गए? हाँ चोर भाग गए। क्या पुलिस गश्त करती है? पुलिस गश्त नहीं कर रही। इससे पहले भी कोई घटना घटी है गांव? 2-3 दिन पहले घटना हुई थी हमारे गांव से, दो भैंसों चोरी हो गई, एक बूढ़ा की और पप्पू की, उनके घर पे से ही मैक्स में डाल के ले गए। तो क्या मांग करते हो आप? मांग ये करते हैं कि पुलिस गश्त करे, इसके हिसाब से तो ग्रामीणों में, और जो भी ये घटना हो रही है जल्दी से जल्दी पुलिस से चाहते हैं कि इसका खुलासा कर दें।